अवज्ञा जाता है क्या भी यह विचित्रता। और आप लोग कौलाहल हैं इसलिए कवल ग्रास की ओर दृष्टि जाता है, किंतु कुछ ऐसे गर्भज नहीं होते और वह गर्भज के बिना समूचन जीव है। 1000 मिलियन प्रमाणी दृष्टि काया है, उसके लिए प्रतिदिन भूख भी लगती है, प्यास भी लगती होगी, और सबके उपरांत वह क्या काम करता होगा जो इस प्रकार की इतनी बड़ी योजन में पेट है, कैसे भरता होगा। कर्मों के द्वारा ही भूख लगती है, कर्मों के द्वारा ही उसका भरण पोषण भी होता है। उसके बारे में कहा जाता है जब वह मुंह खोल करके पड़ जाता तो कई छोटे मोटे मछलियां उसके मुख में आते और चले जाते हैं, उसे होश हवास नहीं। और जब उसे इच्छा हो जाती है तो वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इधर उधर के लिए भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे मुंह बंद कर देता है। छोटे मोटे जो मछलियां आते जाते उन्हें ये याद नहीं है हम इसके पेट में जा रहे हैं। जब उसको इच्छा हो गई उसको ज्यादा नहीं करना पड़ता, मुंह बंद करना पड़ता। जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल रखकर के बैठ जाते हैं, कुछ लोग मछली नहीं समझ पाते पकड़ में आ जाते हैं, उसको उठा ले जाते हाथ से तो पकड़ नहीं। उसी प्रकार उस राहु मच्छ, उसका नाम राहु मच्छ है, 1000 योजन प्रमाण। वहीं पर एक दूसरी मछली है, उसकी हम आपके सामने कथा बता रहे हैं। सुनते हैं उसके कानों में, उसके कानों में जो राघव मच्छ रहता उसके कानों में एक तंदुर मच्छ रहते हैं। तंदुर समझते हैं, उदक तंदन तंदुर, तंदुर का चावल होता है, चावल के बराबर, मतलब उसी प्रकार के यदि मानो मछली के आकार को लेकर के चलते हैं तो भी उसके कानों में रहने और एक छोटी मछली, वह नहीं छोटी केवल ऐसी मछलियों को खा सकती पी सकती, किंतु वह पानी में वहीं पर रह सकती, उसी के कान का जो मल वगैरह खा पी करके रहती है। उसने अपने दिमाग से सोचना प्रारंभ कर दिया। आप अपने दिमाग से सोचना नहीं, आप सुनते चले जाओ क्या होता है दुनिया में, क्या क्या फलती रहती है। और वह मछली तंदुर मछ सोचती है, देखो कितना पागल है, कितनी बड़ी छोटी मछलियां आ रही है और चली जा रही है, आ रही है और चली जा रही है, और ये वैसे ही पड़ा है, इसको चाहिए मुंह बंद कर लेना चाहिए, पेट भर जाएगा। यदि मैं इसके स्थान पर होती तो ये को भी नहीं छोड़ती, मैं यदि इसके स्थान पर होती तो ये को भी नहीं छोड़ती। तुम इसके स्थान पर क्या उसी के कान में तो बैठे हो, कुबत नहीं लेकिन भाव में गरीबी नहीं,
खूबत नहीं शारीरिक दृष्टि से, भावों में गरीबी नहीं, तृष्णा वासना इच्छाएं आकुलताएं सताएं स्वरूप संबोधन हम कैसे करा रहा। ऐसे कितने जीव होंगे बड़े बड़े समुद्र सागरों में इस प्रकार गहराई में रहने वाला, वह राहु मच बड़ा ये योजन हजार योजन वाला थोड़े से कम पानी में नहीं चलता होता और तट की ओर आती ही हो मछली, गहराई जा रही थी वहीं पर वो रह रही है। इस प्रकार असंख्यात होंगे और ये चल रहा है। क्या इस त्रिदेशी जगत को हम अपने बुद्धि का विषय बना के कर फुर्सत का हमारा जन बनाए ज्ञानी ध्यानी मुनि लोग इसकी चिंतन करते हैं और मन को समझाते हैं और मन को कहते हैं इधर उधर की बातें याद मत कर, यदि करना ही है तो इस जिंदवानी के आधार पर वहां पर गए बिना यहीं पर बैठा बैठा चिंतन कर। और कर्म सिद्धांत क्या है, हमारी उपज करने के कितने कर सकते हैं, पुरुषार्थ की सीमा हमारे पास कितनी है, कितने कर सकते हैं, इसके बारे में एक मछली भी जिसने नहीं खाई खा सकती नहीं है, अब उसका भविष्य क्या है। कर्म सिद्धांत ग्रंथों में लिखा गया है वह सप्तम पृथ्वी तक चले, एक मछली को भी नहीं खाई लेकिन खाने की मात्र फल स्वरूप सप्तम पृथ्वी में पहुंच गए। जो खाती है वो तो पहुंच गई, जो नहीं खाते वो भी पहुंच गए, दोनों को दंड एक ही प्रकार मिल गया। तो आचार कहते हैं ऐसा ही होना था, नहीं काल के द्वारा ये काम नहीं हुआ है, ये मोह के द्वारा। ऐसे कैसे कह रहे महाराज, हम इसी को पलटा करके और सुनाए, और ये आधा घंटे तो आपको सुनना है और क्या सुनाए। आप लोगों ने सोचा होगा नई चीज कोई है ही नहीं संसार में, सब पुरानी है। जब आप पुराने आसामी हो तो आपकी हिस्ट्री भी पुरानी होगी, आप यदि नए हो जाएंगे तो नई गेट हो जाएगी। वही सब कुछ चल रहा। वह मछली भी चली गई और बड़ी मछली भी चली गई, दोनों सप्तम पृथ्वी में पहुंच गए। इच्छा वासना मोह की तीव्रता हमेशा बनी रहती है, ऐसा भावों का खेल केवल कर्मों के उदय पर ही आधारित हो तो कोई चारा नहीं कि हम उस चपेट से निकल जाएं। किंतु पुरुषार्थ की भूमिका केवल हमारे ऊपर ही आधारित है ऐसा कहेंगे तो मोह तो आज तक पछाड़ नहीं देते, चाहने से भी नहीं और उसके उदय होने से भी वैसे ही काम हो। औदय भाव के साथ कुछ ऐसी भूमिका करती है जहां पर पुरुषार्थ कुछ झलकता था, औदय होते हुए भी
हम अपने पुरुषार्थ से कितना कम कर सकते हैं, यह भी सिद्धांत ग्रंथों में बताया गया है। मुंह का उदय है महाराज, हम क्या करें? जिस थोड़े से बीच में छोटा सा दूसरा उदाहरण है, गर्मी पड़ रही महाराज, हवा की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, निद्रा नहीं चाहते हुए भी छोटे आज कर्ण को उदय है महाराज। और प्राय करके कुछ लोग ऐसे आकर कहते हैं महाराज, हम जब जनवाणी सुनने के लिए बैठ जाते हैं वो देवी हमारे साथ आ हमारे ऐसी आप कृपा करो। तो भैया ऐसी कृपा क्या आपके हाथ की बात, जनवाणी बस सुनो। जब जनवाणी सुनते हैं उसी समय वो आती है, इतना पुरुषार्थ कर सकता है जनवाणी को, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जनवाणी को मैं सुनूंगा, भले ही मंगलाचरण तक ही आधा मंगलाचरण हुआ नहीं आ जाता है, और अंतिम मंगलाचरण आधा होने से उसमें जग जाता है। ये निद्रा प्रशिक्षित है, निश्चित बात है। आप अपने तरफ से मंगलाचरण करते ही रहिए तो निश्चित रूप से आपके वहां आएगी नहीं, सुनना नहीं अब। अब ऐसा सुनना मंगलाचरण चल रहा, मंगलाचरण चल रहा, ये कुछ ऐसे पुरुषार्थ की भूमिका है। ये भी नहीं फिर भी तीव्र उदय है, तो आचार्य ने कहा वह जड़ है तो चेतन, वह अचेतन तुम ज्ञानी हो चेतन। कौन सी वह दोहा, तू चेतन ये देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी और मिले अनादि यतन से बिछड़े जो पै और पान। क्योंकि गर्मी के समय पर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, बिछड़े ये अनादि काल से पै और पानी, पै मैंने तू पानी मैंने पानी, इन दोनों का मिलान हुआ है अनादि से, जो बिछड़े यतन से बिछड़े। ये यतन शब्द औदय परिणाम के ऊपर खड़ा था, ये यतन शब्द जहां जैसे होना काल जैसा होगा महाराज, हम क्या कर सकते, इसके ऊपर उठारा रहा यत्न के साथ सुनेंगे तो ये समझ में बात आ सकती है। यदि यत्न की उपेक्षा करना चाहे हैं तो अर्थ अपने आप ही झलक नहीं सकता, मिले अनादि से और यत्न से बिछड़े, अनादि से मिले। किसी ने जल में दूध में, दूध में जल मिला है, शरीर में आत्मा को किसी ने डाला है, किंतु यह कृत्रिम नहीं, यह अकृत्रिम परिणाम है महाराज, यह अकृत्रिम परिणाम है, अनादिकाल से है तो अनादिकाल से रहा है। यहां पर आत्मा का पुरुषार्थ हमारे साथ है, इसमें भी कुछ निमित्त होता होगा महाराज, इसमें अपने आत्मा की निमित्त है, इसमें क्या बात है। भाव के बिना कर्म नहीं, कर्म के उदय के बिना नूतन भाव नहीं, बिछड़े कैसे इसको तो पूछ रहे हो आप। दूध में पानी मिला, पानी में दूध मिला, और दूध में घी है,
मथने के लिए बैठ जाते हैं चौबीस घंटा नहीं होता सुगंधी भी सामने। यूं कहना चाहिए हाथ मंगने के लिए आरती की क्या आवश्यकता है, अपने आप मिल जाता जो दिख नहीं रहा था, हाथ डालने से मिल नहीं रहा था, हाथ नहीं लग रहा था और कहां ये जा रहा उसी दूध में है। विश्वास कम जमता हमारा, विश्वास कम जमता इसलिए उसको घी नहीं मिल पाता और जो करता है दूध को त्याग कर देता और मत लेता सामने सामने मिल जाता। महाराज साहस की बात है, जो हाथ में मिला है उस दूध को छोड़ दे और घी की आग लगा दे, नहीं मिलो तो खा कर। आप दुकान खोलते हुए पूंजी लगाते हुए और दुकान नहीं चली तो खा कर बताओ कैसे नहीं चलेगा महाराज। हम चला लेंगे पैर लगाएंगे उसी प्रकार हम मथेंगे। देह का मंथन नहीं करना, आत्मा का मंथन करो, देह छूट जाएगा, चाक जैसे रह जाएगा। यह एक बिंदु, ये आस्था का विषय बन जाएगा। संसार के अनेक बार जो प्राप्त होते हुए भी हम उसको संयोजित करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा शुद्ध कार्य है उस क्षेत्र में हम पुरुषार्थ कर सकते करके रहूंगा ऐसा अभिमान न करें। भाव प्रणाली कर्म की उदय प्रणाली ये दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए वह जड़ दूर गया मिले अनाज यतन से जो है और ये विश्वास की बात। तो दोनों शब्द अंदर चले गए उनको किसी ने उपदेश नहीं सुनाया होगा, चले रख उपदेश सुनने से ही सम्यक दर्शन आदि होते हैं ये गलत धारणा है। आगम ग्रंथ पढ़ने से ज्ञात होता है, अनेक प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे रहते हैं वह कार्य होता है। बुद्धि पूर्वक कभी किया जाता तो कभी अबुद्धि पूर्वक। इसका अर्थ ये नहीं है कि सोते सोते सम्यक दर्शन हो जाए, अभी तक कहीं भी नहीं सम्यक दृष्टि सो सकता क्या समझे। सम्यक दर्शन होने के उपरांत सम्यक दृष्टि सो सकता था लेकिन सोते हुए सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता, ये पूछा। सम्यक दर्शन जिस समय उत्पन्न होता है उस समय सोने की प्रक्रिया समाप्त होती है। डर लगता है कुछ तो आपकी निद्रा देवी जी तो आती ही दिनवाणी के श्रवण के समय पर आएगी। मतलब ये हुआ कि डरना अभिशाप नहीं किंतु वरदान। निद्रा आती है तो पानी के गर्मी के दिन में तो और निद्रा ज्यादा आएगी, ध्यान रखना। गर्मी के दिन में पानी के छाटा ले लेंगे तो और अच्छी निद्रा आ जाएगी। सर्दी के समय आप थोड़े से उसको ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से फिर निद्रा आ जाएगी। फिर भी यदि आती है आचार्य तो उसको हम भगा सकते। कैसे क्या भगा सकते, कर्म के उदय को कैसे भगाएगा। देखो ध्यान रखो कर्म का उदय जो फलता है वो नो कर्म के माध्यम से पहुंचता। सुन रहे हो क्या नहीं हा? सुन रहे ना जिस चिंता होते कहीं तो हम उत्तर दे रहे हैं इसलिए वो शिष्टाचार वही कहते हैं स्वाहा तो करो करो तो बोलते हैं और स्वाहा तो करो करो तो करो। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि
कर्म तो फलता है पर नो कर्म के बिना नहीं। एक्सेप्शन थोड़ा सा रह सकता है, बात अलग है, लेकिन कर्म के उदय को फल के रूप में देखते हैं तो नो कर्म से। महाराज जी, कर्म से ही हम छुटकारा नहीं पा रहे, नो कर्म क्या वस्तु है? ये ध्यान रखो, नो कर्म की ही तो जमाना है ये दुनिया। हाँ, कर्म भोज कर्म को कोई भी नहीं बटोरेगा, ऐसे आप कहेगा ना, कोई भी नहीं बटोरता कर्म। यदि कह दिया जाए आपको कर्म चाहिए क्या, नो कर्म चाहिए, हमें कर्म कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, उठने के लिए चाहिए, और ये बड़े बड़े महान आदि चाहिए, क्या कर्म है क्या? ये तो नो कर्म माने जाते हैं। और नो कर्म में ही यह संसारी प्राणी मुक्त होता है, कर्म को नहीं। पुण्य कोई मान लो बटर ला कर रख दे, क्या क्या करना, कुछ नहीं। जिस प्रकार गधा तमाकू सूंघ करके नहीं उड़ा, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, सूंघता भी नहीं, ऐसे दूसरे की बात नहीं कह रहा हूं मैं। कर्म का कोई फल नहीं मिलता, कर्म के उदय में नो कर्म तो होते हैं, संयोजना उसमें लगता था। हर्ष और विषाद कर्म से नहीं होता, हर्ष और विषाद कर्म से नहीं। जो हम हर्ष विषाद करते हैं उस समय नो कर्म की रचना सामने रहती है, उसको देखने से कर्म उदय के कारण डर होता है, निश्चित बात है, लेकिन उस उदय के साथ साथ सर्व सामने है तो डरेगा। भय कर्म का उदय रहेगा तो भी नहीं डरेगा, ये निश्चित बात है। तो नो कर्म जो है वह विषय वासना है, कर्म कभी भी वासना विषय वासना नहीं थी। क्या छुड़ाया जाता है? कर्म नहीं छुड़ाए जाते, नो कर्म छुड़ाए जाते तो कर्म को विस्मृत चढ़ जाता है। यह सिद्धांत जिसके पास विद्यमान है वही व्यक्ति समूह रचना कर सकता है, अन्यथा तीन काल में नहीं हो सकता। ये मोक्ष मार्ग है, नो कर्म छोड़ो अपने आप। महाराज हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है। महाराज इस प्रकार हमारे पास ये चीजें हैं, फेंक दो, फिर देख लो डर हो जाए। डर का कारण तो ये नो कर्म का ही त्याग किया जाता है, घर का त्याग किया जाता है। घर को बनाने वाले जो कर्म है उसका त्याग नहीं होता, और वह हाथ ही लगने नहीं देता। बैठा है तो बैठा है, उदय में आएगा तो आएगा, आपको पूछ करके नहीं आएगा, और आपकी विनती जिन जिन पदार्थों से आपका मोह है, यदि मोह छोड़ना चाहते हो तो फेंक दे, उस पदार्थ को फेंक दे। अग्नि कब लगती है बताओ ना, अग्नि कब लगती है? ईंधन हो इतने तो सो है, ईंधन बाल को जाएगा। पहली कक्षा का व्यक्ति भी सुन लेगा, ईंधन के कारण, ईंधन नहीं रखोगे अग्नि लग ही नहीं सकता। ईंधन के भीतर से अग्नि आ जाती, परिग्रह रखोगे तो डर नहीं। परिग्रह संख्या क्या बड़ा है महाराज बताओ, जो भय पैदा करने वाला है बड़ा। यदि आप निर्भीक होना चाहते हो तो परिग्रह संख्या को छोड़ दो। परिग्रह कितने होते हैं? परिग्रह वो है चारों तरफ से जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम परिग्रह। हम सुल्तान की बात नहीं समझते, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, इधर से भी जाए, परिग्रह परी आप समझता आत्मानं गृह्णाति इति परिग्रह। अब परिग्रह छोड़ना क्या है?
तो भीतर के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो समय सर कहता है मोह को कोई भी नहीं छोड़ सकता, जिसके कारण मोह हो रहा है उसको तो छोड़ सकता। अब छूटने के उपरांत याद आ जाए, याद आ जाए तो घबराओ नहीं, हम ग्रहण करें तभी तो याद तो आएगा। जिसको छोड़ा था, जिसको जोड़ा था, याद तो आएगा। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, स्मृति वो आए और अच्छी वो आती है। जिस चीज को छोड़ते हैं वो और ही अच्छे याद आ, याद रहता, याद रहेगा तो ज्ञान का स्वभाव। याद आ रहा महाराज, बहुत याद आ रहा, बिल्कुल याद आ रहा, ये भी याद आ रहा है ना, हम मन से वचन का ऐसे छोड़ रहे थे, इसको याद रखो। कुंदकुंद ने ये कहा, जिस समय आप छोड़ते हैं उस तिथि को याद करना, ताकि पुनः याद आ जाए, वो ये वो भी याद रह जाए कि हमने फलाने तिथि के दिन छोड़ दिया है, इसको भी याद रखो। वो आएगा याद, ये भी याद रखेंगे हम, इसी तिथि के दिन हमने छोड़ा था, ग्रहण करने का कोई विकल्प लिया ही नहीं, आने दो। नो कर्म का त्याग कराया जाता है। कई लोग ये कहते कर्म को छोड़ा जाता है, उनको अभी तक कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं और आत्मधर्म का तो ज्ञान को ही नहीं समझता। जो कुछ स्वाद आ रहा है वो अवधि भाव के माध्यम से आ रहा है, कर्म के उदय के माध्यम से आ रहा है, कर्म को हम हटा ही नहीं सकते। क्यों महाराज, कर्म को तो हटाने के लिए कहा नहीं, कहा कर्म को हटाने की पद्धति बताई है। क्या पद्धति है? यही है कि अंतिम जो शरीर होता है मेरे को भोग मध्यम, एक सूत्र रखता है, अंतिम जो शरीर होता है कर्म को समझ, कर्म के समझते आत्मा जो कारण शरीर होता है, वह आंखों के द्वारा स्पर्श के द्वारा देखने जानने योग्य भोगने योग्य होता ही नहीं। पुण्य को एक थैला रख दो तो कुछ नहीं करेगा, तो आता ही नहीं, वह किसी के विषय बन नहीं सकता, मत ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। उसका उदय में हमें जो फीलिंग हो जाती है नो कर्मों का, उसके कारण ऐसा हो रहा है। हमारा पुरुषार्थ कहां तक है, कहां से प्रारंभ होता है, इसको आप समझो। जो बधा कर्म है उसकी समूल और निर्जरा करना चाहते हैं तो उसका स्रोत क्या है, उसका मार्ग क्या है, उसकी पद्धति क्या है। जिसके प्रति मोह हो रहा है उसको छोड़ दो, फिर बाद में देख लेंगे। परांतक कर्म तो उदय में हो रहा, यदि उदय में हो रहा तो कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। कोई समय आएगा तो समय आप अपने आप आएगा, तो कर्म का उदय ही रहेगा। काल के द्वारा काम नहीं हो रहा, काल में होता रहेगा, ये इसका शॉर्ट है। काल के द्वारा काम नहीं होता, कर्म के उदय के द्वारा काम आता है और उस समय में भी काल रहता है, रहता है, तो द्रव्य है संसार में। ये थोड़ी वो ब्रेक लगा दे, फूंक दे, फांक दे और निकाल दे, वो कुछ नहीं कर सकता, ये समझने की बात है। तो कर्म को आप छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ भी नहीं सकते, यदि छोड़ना चाहते हैं तो नो कर्म को छोड़ो तो निश्चित होगा। अब हम पढ़ पाते हैं जो राघव मच और कंदन मच दोनों सातवें पृथ्वी पर चले गए, उसी समुद्र में और भी दो और कैंडिडेट हम खरीदते हैं, खरीदते मतलब उदाहरण के लिए वही के वही, और वह भी राघवमच और कंदनमच, उनको किसने उपदेश सुनाया, किसने बताया, प्रेरणा दी, भगवान जाने। और अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हो, होते ऐसे कर्म सिद्धांत में अनादि मिथ्या दृष्टि, और एक साथ पंचम अनुष्ठान को प्राप्त होते हैं। कितने पंचम अनुष्ठान से ऊपर चढ़ने की हिम्मत उनके पास नहीं है, ये हिम्मत तो केवल मनुष्य के पास है,
ये बात अलग है, वह करें हिम्मत ज्ञान यहाँ इसके ऊपर भी चढ़ सकता है। और उस राघव मच ने भी उस समुद्र में सागर में रह करके भी ये संकल्पित हो जाता है कि मैं अपने जीवन में निश्चारण कोई भी हिंसा अधिकार नहीं करूंगा। पांच पापों का क्या अनुमति के रूप में उसने धारण कर लिया, पर केवल ऊपर से व्रत मात्र धारण नहीं किए, ध्यान रखो सम्यक दर्शन के साथ उसने धारण किया, उपदेश नहीं, कोई संस्कार नहीं, अनादिकाल का कुछ है नहीं, कोई मंदिर जाता होगा जलमग्न ही है, वहां से उठ नहीं सकता, हवा में आ जाए तो प्राण समाप्त हो जाए, जल में रह करके उसको अपने आजीव का चलाना जीवन गुजारना, और यही मात्र उसी प्रकार उस छोटा सा जो तंदूर की भांति मछली थी उसने भी संकल्प ले लिया। हमने जाकर के देखा ने पूछा ने बताया आगम की वाणी, और तंदूर मछली कहां तक चले गए, वृत्ति कहां चला जाएगा, सोलह सर्ग तक तंदूर मच्छ और राघो मच्छ 1000 योजन वाला दोनों चले जाते, कौन से महाराज आए थे जो लोग 1000 योजन वाली मछली को 16 सर्ग तक चढ़ा दिया, कैसे पहुंच गया, और तंदूर मच में चूंकि राघो मच चला गया उसके साथ साथ कानों में बैठा था वो भी चला गया, बिना संकल्प नहीं जा सकता नहीं है ना, टिकट तो उसने खरीदा, उसके पास टिकट खरीदने की कोई सामग्री थी भावा, कभी विचार क्या भी क्या किया जाता है, कर्मों का त्याग तो होता ही नहीं किंतु नो कर्म का ही त्याग, उस नो कर्म के त्याग से आचार्य अंगद जी कहते हैं नहीं वंत दो बंधु हो अध्यवसायी कोई बंधु, वस्तु के द्वारा बंध नहीं होता किंतु वस्तु के प्रति अध्यसान भाव के द्वारा बना होता है, ये ध्यान रखना वस्तु नहीं हो अपनी दृष्टि में और वह बंद होते चले जाए तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, छोड़ने की बात कहां तक है आप लोगों की दृष्टि में आना चाहिए, छोड़ नहीं सकता मगर वह छूटेगा, यदि अपने आप आकृति चिपका है तो अपने आप आकर भी छूट जाएगा, पैंट अपने आप ही क्या दोनों टांगों में आकर के लटक गया और अटक गया और बेल्ट भी लग गई, धोती हो तो आजी भी लग गई और अपने आप काज खुल जाएगी, अपने आप पेंट में तो लटके हैं पैर बाहर आ गए, बुद्धि पूर्वक आपने उस पजामा को पहना है तो बुद्धि पूर्वक मन से वचन से काय से चित्त से काय से अनुगम से राग से जोड़ा है, रुचि के साथ ग्रहण किया है, रुचि के साथ ही उसको छोड़ा है, उसकी प्रति अरुचि नहीं होगी छोड़ने की क्रिया का संपादन, ये बात आपको सत्य है, बिना रुचि के भी हम छोड़ दें पर भीतर की बात नहीं छूटी थी, मैं उसके लिए कह नहीं रहा वो छूटी ही नहीं,
नो कर्म का भोग ही होता है और कर्म फल तभी फल देते हैं, उसके साथ नो कर्म होता है। वस्तु नहीं भी है लेकिन वस्तु को याद था उस बंद के कारण हो जाता, पकड़ है वस्तु को लेने की अदम्य शक्ति लगाई गई है उसमें, इसको कोई स्वीकारता नहीं। विरले ही लोग जो श्रद्धालु होते श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, इसमें जैसा चपका वैसा होगा, चपका है ही नहीं, प्रायोगिक कार्य है। कर्म सिद्धांत को पढ़िए, अपने आप कोई चपकता नहीं, यदि अपने आप चपकता है तो वह छूट ही नहीं सकता, क्योंकि वह चपकन हमेशा बना रहा है। ये तो कार्य होता ही रहेगा, ऐसा नहीं, यदि ऐसा ही है औदय भाव के द्वारा कर्म बंदी होगा और बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा और उसमें जो अनुभाग है उसके अनुसार पुनः बनेगा, तो ये कहना चाहिए उत्कृष्ट अनुभाग का ही उदय होगा तो उत्कृष्ट अनुभाग का ही बंद होगा और पुनः बंधा है वैसा उदय आएगा। कुछ लोग ऐसे कहते जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेंगे, जो त्रिनेत्र है वो त्रिनेत्र मर करके त्रिनेत्र होंगे, जो देव है वो देवी होंगे, जो भगवान है वो भगवान। क्योंकि जैसा कर्म बंधा है वैसा ही उसके उदय में आना है, वैसा ही पुनः ना कोई मोक्ष प्रसाद होता नहीं, ऐसे मानने वाले के ऊपर फिर व्यक्ति कहते हैं दिया भगवत कृपा होगी तो हो सकते, भगवत कृपा भी कैसे होगी जो कर्म के अनुसार होने वाला है, भगवत कृपा क्या हो सकते। सोचिए समझ लीजिए आत्मा की सीमा, पुरुषार्थ की अवधि, कर्मों का उदय ये निश्चित बात है। आप बैठते हैं गर्मी में भी बैठते हैं, कर्म की कुछ ऐसी कृपा और आपका कुछ पुरुषार्थ का फल सुन रहे हैं, यदि मान लो थोड़ी सी और वेदना होगी, कोई अभाव हटकेगा, बीच में चोट करके चले जाएंगे, यदि मोह नहीं है तो बैठा रहेगा और मोह पकड़ लेगा वो चला जाएगा। बीच में थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, मान लो किसी की यहां शोर होगी और तो फिर तो सब छूट जाएगा, अब क्या करें, नहीं नहीं महाराज हम संकल्प लेकर के आए, जब तक हम पंच कल्याण पूर्ण नहीं करेंगे अथवा जब तक श्री चक्र मंडल विधान नहीं होगा तो हमें घर जाने वाले आए, संकल्प लेकर के आए तो आप शोर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उसके प्रति कोई आकर्षण रहा है। शोर और सूतक क्या वस्तु है, मुनि महाराज को तो शोर सूतक लगते नहीं, एक एक्सेप्शन अलग है तो बोल देते अंतर मोह में आपकी खाक हो जाएगा। मोह का ये काम है, मोह को जीतने का भी काम है, मोह के यदि नौकर ही आप बनना चाहते हैं तो बात है। आत्मा की कुवत को अपने श्रद्धा का विषय बनाता, जब तंदुर मंच भी सूर्य स्वर्ग तक पहुंच सकती है, ऐसे कौन से भाव उसने किए। आचार्य ने ये कहा अनादि मिथ्या दृष्टि था किंतु संयमा संयम के भाव उसने किए, फल स्वरूप वह पूर्व कोटि वर्ष तक पंचम स्थान का निर्वाह किया और ये भी वह पंचम स्थान से नीचे नहीं उतरा। ऐसे ऐसे पशु भी हैं उन स्थान के निर्वाह परिणाम के माध्यम से वो इधर उधर कितना भी जल बहुत आ भी जाए ब्रिज में बांध में, और इस ढंग से उसके फाटक ज्वाइंट किए गए हैं, वह पानी ऊपर से आ सकता है लेकिन वह तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैपेसिटी एक कैपेसिटी अपनी सीमा तक इतना अपार जल को रोकने की क्षमता उस ब्रिज में आ। ऐसे भावों के द्वारा हम पुल या बांध बांध सकते हैं जो आए हुए कर्म
उससे टकराने लगे, लेकिन वो तोड़ नहीं सकते, संकल्प में इतनी शक्ति होती है। ये शक्ति कर्म की कृपा नहीं है, ध्यान रखना, कर्म को हटाने के काम उस भाव ने किया, भाव ने ही कर्म को पैदा किया, और कर्म पैदा होने के उपरांत भी भाव ने सोचा कि अब मैंने ही किया, ये तो कर्म ही करता नहीं, करता तो मैं। तो जिस कर्ता का प्रयोग इस प्रकार ले लो, अपने आप ही वह कार्य सक्षम हो जाए। इसलिए अपने भाव प्रणाली को समझो, और दूसरे के अधीन हुए बिना पुरुषार्थ की पद्धति को अपनाओ, निश्चित रूप से उसके ऊपर विजय प्राप्त हो। अभिमान और दीनता भी मत रखो। अभिमान करेंगे तो करके रहोगे तो करो, देखिए आप छोड़ सकते हैं नौकर, जिसको आपने जोड़ा उसको तो आप छोड़ सकते हैं। कर्मों को छोड़ने की पद्धति यही है, नहीं वस्तु बंधन, वस्तु के द्वारा बंध नहीं, किंतु वस्तु के प्रति जो पकड़, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार के दुर्भाव है, इसी का नाम मूर्छा है। इस मूर्छा से आप बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। यदि उठने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो काल नहीं आएगा, आमंत्रण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी निमंत्रण शिकार सभी आने वाले नहीं, पर काल के पास कोई पैर है नहीं, काल आता है क्योंकि वह निष्क्रिय है। आप पैर वाले और दिमाग वाले दोनों, दिमाग को अच्छे ढंग से उपयोग में लाओ, कहां तक मेरी पुरुषार्थ गति है, कहां तक मेरी सीमा है, निश्चित रूप से कार्य कर सकता है। हाँ, कुछ ऐसे कर्म के उदय रहते हैं जिस समय आप काम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, उसके उदय से भाव तो होंगे, और उसमें हल्कापन आना और गाढ़ापन आना, ये तो चलता ही रहता है। द्रव्य क्षेत्र के अनुसार वो फलते रहते हैं, यह भी जिनवानी कहते हैं। यहाँ पर बैठेंगे, भूखे भी होंगे तो इतने भूख नहीं सताई, खाना नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन यहाँ पर आत्मा की बात करते समय पक्षधार अपने आप ही ऑप्शन में से पूछा, ऑप्शन का उपयोग जोर नहीं है। और यदि आप रसोई घर में बैठ जाएंगे तो उखड़े ही, उसके साथ साथ यदि नहीं लेते हो जन तो पृथ्वी और भड़के ये समझे, इसको बोलते हैं उदीर ना श्रो, कि कर्म किस ढंग से द्रव्य क्षेत्र का भाव के अनुसार मिले, अनादि यतन से बिछड़े, वही तंदुर मच और वही रागो मच, सत्तम पृथ्वी चले गए वही के लिए सोलह स्तर तक पहुंच गए। तो ये आगम का उल्लेख है, जो से गए व्यक्ति तो मत हो गई, पशुओं से पक्षियों से दिमाग तो ज्यादा रहते हैं। सुबह ये भी कहा था हमने, हमको सात तत्व है, नौ पदार्थ थे या आठ पदार्थ थे, क्या है कुछ कुछ भी नहीं जानते, लेकिन तस्य भावो तत्व अवश्य महसूस करते, इतना पर्याप्त था, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ढाई अक्षर ज्ञान के आत्मा के पर्याप्त, ढाई सौ की कोई आवश्यकता नहीं। दवाई के लिए दवाई तो दवाई होती है, पेट भर दवाई नहीं होती, भोजन पेट भर होता है, पर दवाई तो बहुत रत्ती भर भी ले ले तो पूरे पूरे रोग को दूर हो सकता है, इतनी पर्याप्त था। लेकिन इतने महान पुरुषा करने की कोई आवश्यकता, पुरुषार्थ उस क्षेत्र में करेंगे कि जो मोह के कारण पदार्थ है उनको, महाराज कई व्यक्ति आ जाते हैं, महाराज क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं
बहुत कोशिश करते हैं लेकिन छूटना नहीं। अच्छा, आप बिल्कुल कोशिश करते हैं? कैसे कोशिश करते हैं? कई लोगों को बता देता हूँ कि मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। कई लोगों के सामने भी करता हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। मन से करते हो क्या? नहीं, अब आगे मन तो पकड़ में नहीं आता, ये गड़बड़। किसी को बताओ भी नहीं और किसी के सामने कहो भी नहीं और कुछ साक्षी भी मत करो, लेकिन मन को खबरदार, तुमने आज तक मुझे डुबो दिया, अब तुझे एक बार मैं डुबो करके रखे। मन तो बिल्कुल कमजोर प्राणी ही, और आप उससे भी कमजोर होते हैं। सबसे जल्दी जल्दी डरता तो उससे भी आप डरना, ये क्या मन आपका है क्या? मन के आप इंद्री का अर्थ होता है आत्मा की नौकर। मन भी एक इंद्री है, अनिंद्री है, छोटा सा है, उसके आप नौकर है क्या? आप अगर साधक है नौकरी करने वाला है, यह मनुष्य ही समझ सकता है। लगाम लगो अपने आप ही ओढ़ा दुनिया छोड़ देगा और वह मालिक का नाम लेने लग जाएगा, जैसे आप लगाम खींच रहे हैं। ढीले छोड़ देंगे लेकिन इधर ले जाना आप ठीक है, नहीं तो एक बार खींच लेंगे तो मांग बढ़ जाएगा, क्या होगा? ये मन को लगाओ पसीना अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पा। मन के गुलाम होने वाला व्यक्ति ही वस्तु को नहीं छोड़ सकता। एक कोई विनोद धर्म ने आओ किसने कहा कि धरण सके दीन संसार की, बाहर जो अंतर मोह, हाँ, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर जो हारी ताते याते, धरण सके परम दिगंबर मुद्रा दीन संसारी, ऐसे कुछ पंक्ति में आए। यह दीनता, यह कमजोरी हम नौकरण के कारण पा रहे हैं। सिंह वृद्धि के लिए सिंह बनने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंह वृद्धि के लिए सिंह बनकर के सिंह वृद्धि बनने के लिए नहीं कहा तुम देव ने, किंतु ऐसे दहाड़ लो सिंह भी भाग जा। स्थिति ऐसी है, आत्मा के स्वरूप, आत्मा की शक्ति क्षमता का नहीं जानने के फल स्वरूप छोड़ नहीं सकते। ऐसा न करेंगे तो छूटेगा, समय पर छूटेगा, प्राण भी छूटेंगे तो वह भी छूटेगा, पुनः प्राण मिलेंगे उसके साथ पुनः वो भी आएगा। यह तो रहेगा, इसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता। यही कला, यही विधि, यही युक्ति है, युक्ति से आप ज्ञान के माध्यम से पन्नाए हितत्वम, पन्नाए नादत्वम, पन्नाए छेदत्वम, तीन चार गाथाएं दी है, एक एक शब्द मात्र चेंजिंग के साथ, वही पन्नाए, वही पन्नाए, वही पन्नाए, एक बार छेदत्वम, एक बार हितत्वम, एक बार नादत्वम। इस ढंग से उन्हें कभी याद करना चाहिए प्रज्ञा के द्वारा, कभी उसको छेद कर देना चाहिए और कभी उसको ग्रहण करना चाहिए था तो वो ऐसा कहा। तथ्य के साथ प्रज्ञा देती है, इस प्रज्ञा के बिना कोई काम नहीं चल सकता। इसलिए आप अपने स्वरूप के बारे में संक्षेप से समझ लो, उस तंदुल के बराबर मछली के पास भी सप्तम पृथ्वी के फाटक खोलने की क्षमता विद्यमान है, वही मछली भी सोलह सर तक पहुंचने का भी तैयारी साधना कर देता है और बाईस सागर वर्ष तक जाकर के सोलह सर में वह जीव के रूप में हो जाता है। वहां से नीचे उतर करके तहते चैत नरजन्म पाप
मुनि भाई शिव जाते, यह पंक्ति चरितार्थ वहां से सम्यक दृष्टि है, निश्चित रूप से कर्म मिलेगी, आय खंड मिलेगा, कीर्तन करोगे समागम मिलेंगे, वहीं पर उसका जन्म होगा और नर होगा नारी नहीं होगी, और उसके साथ साथ पूर्ण आयु को लेकर आया, पूर्ण आयु का अर्थ क्या, हजारों वर्ष में कम से कम 8 वर्ष और अंतर्मोत तो लेकर आएगा, और अंतर्मोत में भी वह निष्पन्न दिशा का अनुभव कर सकता है, ये इतना पर्याप्त होता है, किंतु होगा तो किसी विधि से होगा, वस्तु को जो व्यक्ति परिग्रह के कारण नहीं मानता वो गलत है, वस्तु को आपने जोड़ी है बिना मोह की जोड़ी ही नहीं सकती, यदि राग और द्वेष और मोह नहीं है तो वस्तु अपने आप नहीं है, कर्म का उदय हो सकता है लेकिन उदय कभी भी आपको ये नहीं कहता इसको बांधना नए सिरे से राग द्वेष के साथ होता है, मिलना इसके लिए राग द्वेष करने कोई आवश्यकता नहीं, वह मिलेगा तो होता है, कर्म का उदय आएगा तो नहीं तो आत्मा की स्वतंत्र सत्ता का मूल्यांकन समाप्त, उसका जो स्वतंत्र उसकी स्वतंत्र सत्ता है उसका परिणाम है सब कुछ अपने ऊपर है, उसके ऊपर बाधा आएगी, जिस बाधा को करना चाहता है तो वह ही व्यक्ति ही इस प्रकार का विचार करता है, जो नो कर्म करने को इसलिए कर्म का फल जो मिलता है वो नो कर्म के बिना नहीं मिल सकता, रोने के लिए किसी के यहाँ गमी हो गए तो रोना आया, कर्म के भुले हो तो रोना आया, वस्तु मात्र से रोना नहीं आया, जिसके प्रति मोह रहता है उसी के प्रति रोना आया, आपके यहाँ एक मानव किराए का लोग रह रहे हैं से किसी की कमी हो गई आपको चिंता हो गई, कमाने वाला वो ही अब हमारी किराए कौन है, कौन है इसका अर्थ है संबंध आपका ऐसा जुड़ा हुआ, अरे उसी के माध्यम से तो हमें चल रहा था, अब वही चला गया तो किराए कौन देगा, तो फिर हम तो किराए का दुकान को वहां पर जाना पड़ेगा, कहाँ जा चलेगा, वो बहुत अच्छा कमाता था, दुकान चलाता था, वो मिलता था बिना मांग के मिलता था, आपको मांगने के उपरांत भी नहीं मिलेगा, उनके बच्चे बहुत तेज है, वह तो कहने की हमारे बाप दादा में से ही चलता था, आपका है ही नहीं, क्योंकि हम तो सर यहाँ तो 50 वर्ष से देख रहे हैं, और सुनने भी आया है 30 वर्ष के उपरांत जो रह रहा है उसी की ओर गुजारता, ऐसा सुनते ऐसा होता है कुछ तो हो ऐसा ही हमारा, इसी प्रकार क्या करोगे, जिसका जिसके साथ मोह रहता है उसी को शोक आदि आ जाता है, और जिसको छोड़ना ही था तो वो कहता है भैया पहले छूट गया और अच्छा हो गया, इसकी रखवाली और मुझे करना पड़ता वो अपने आप चला गया बहुत अच्छा था, इसको बोलते हैं मोह नहीं, मोह को दबा रहा है, और ये कहते हैं हम चाहते हैं लेकिन कर्म के उदय ऐसे कैसे, निद्रा आती है कैसे आती है, कर्म के उदय में आती है निश्चित बात है, थोड़ा सा कोई डर लग जाए तो फिर निद्रा नहीं आ सकता, फोन आ जाए फिर देख लो मुनीम जी फोन काहे का आया जल्दी बताओ, दोनों ही निद्रा नहीं आती, मुनाफे में भी घोलन दूसरे को होता है, हाँ हाँ दोनों प्रकार के फोन में निद्रा भंग हो जाएगा, बिल्कुल 10 दिन तक दो मान लो सोया नहीं है, और एक दिन मुनाफा इतना हो गया बाप दादा ने कभी भी इस प्रकार की संख्या नहीं सुनी थी, 10 की संख्या क्या, 10 की संख्या कितनी होती है अरब में होता है, 10 की संख्या अरे ये
अरे कुंडिका उदय तेज आ जाता है निद्रा भंग। और इसी प्रकार पार्टी फेल हो गई। हाँ हार ये बात आपको समझ में आपको आ रही नहीं आ रही बिल्कुल। जिसके साथ जो संबंध है उसके कारण ही आयु कर्म का हाथ हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा अकाल अकाल मरण के लिए कारण है, अनंत उपाय द्वारा अकाल मरण हुआ है। उसमें क्या कारण है? अनय अस्थि पावन को खोलो पढ़ो अनय नीति न्याय के विपरीत कुछ काम किया और अटैक हो गया बस काम ये अनीति है। ये डर है, डर का कारण अनीति। प्रयोग नहीं करता उसके लिए कहीं भी कुछ निसंग उसके लिए कोई शंका के सवाल नहीं। अपने तरफ से निमंत्रण देते एक बात कहकर के मैं समाप्त कर रहा हूं। आयु कर्म में ऐसे क्यों होता? मुनि महाराज भी मनुष्य और आप भी आप कितनी भी एयर कंडीशन में रहिए आईसीयू में आपको व्यवस्थित कर दी जाए फिर भी आपके आयु कर्म की उजीर्णा रुकती नहीं है। और एक मुनि महाराज हैं आईसीयू कुछ कोई मतलब नहीं है एयर कंडीशन कुछ भी नहीं कंडीशन के बिना और वहां शांत बैठ जाते हैं अब प्रमुख गुणस्थान में चले जाते हैं तो आयु कर्म को उजीर्णा रुक जाता है। आप प्रमुख आयु कर्म का नियंत्रण अपने परिणामों के ऊपर है। कितने भी पैसे खर्च कर लो आपका अकाल मरण रुकने वाला हमारी बात मान लो आप घात के लिए कारण वह मोह पड़ रहा और अप्रमत जो होता है वह कहीं बाहर भी बैठ जा अप्रमत होता है आयु कर्म की क्षति को प्राप्त होगा नहीं। अंतर अंतर मुहूर्त में अंतर मुहूर्त के लिए आयु कर्म की उदीर्णा को रोक लेता है रोकना पड़ता है उसको तो यह मुनि अवस्था मानी जाती है। ज्यादा समय आपके पास में नहीं और हमारे पास में और वह ऐसा ही है। इसलिए आप चाहते हैं अप्रमत होना आयु कर्म आपका बढ़ सक बढ़ कर घटेगा नहीं यथवा तत्व अपने नहीं है इसका नाम बढ़ जाता ऐसा आ जाता। आयु कर्म को पूर्ण यदि जीना चाहते हैं अप्रमत हो जाइए आपको कोई भी रोग नहीं। ये कर्म श्रद्धा और आत्मपुरुषार्थ दोनों लगे रहते हैं। यदि प्रमाद की भूमिका में आएंगे निश्चित रूप से आयु कर्म को उजीर्ण चालू हो जाएगा और आपके लिए तो जीवन में कितनी भी कोशिश करो ये नहीं आ सकता। ये मुनि बनने के उपरांत ही सौभाग्य होता उसके बिना संभव नहीं चाहे वह गरीब बन जाए चाहे चक्रवर्ती बन जाए कोई भी बन जाए उसके लिए आयु कर्म को उजीर्ण रुक जाएगा अन्यथा किसी भी देव भी अपने आयु कर्म के उदीर्णा को नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते। वैपरीत शरीर है बोले तो कोई मतलब नहीं उदीर्णा चलेगी उसकी क्योंकि प्रमाण की भूमिका में विषय और कषाय वाला व्यक्ति ही आयु कर्म के उदीर्णा कराता रहता है अन्यथा मुनि बन गया अंतर अंतर मोत के लिए उसका छूटना। इसीलिए ध्यान में हम आयु कर्म के उजीर्ण को रोक वह अपने आप ही रोक जाता है। ये सिद्धांत कर्म सिद्धांत जिनवाने हैं और इसके ऊपर विश्वास करना इसलिए वह कहना चाहता है। और आत्मपुरुषार्थ में कितनी भूमिका होती है कहाँ पर होती है यह किससे क्या होता है ये एकांत रूप से हम स्वतंत्र नहीं और एकांत रूप से हम करके रहे ऐसा ही नहीं ऐसा